हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो आज तारीख है 7 मई और दिन है बृहस्पतिवार। टाइम हो रहा है 10:30 बजे का और मैं थोड़ी सी देर लेट गई हूँ। काम हो गया है, जो मॉर्निंग का काम होता है वो मैंने निपटा लिया है। बच्चे नहा धोकर पढ़ाई करने बैठ गए हैं, शराक्षे को पढ़ा रही है। मैं थोड़ी सी देर लेट गई। आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, पता नहीं क्यों मुझे नींद आ रही है। और मुझे रात नींद भी अच्छे से आ गई थी, लेकिन पता नहीं फिर भी क्यों नींद आ रही है। वैसे मुझे कई दिन से नींद अच्छी नहीं आ रही है। कई दिन से क्या, जब से ये कोरोना का हुआ है मुझे नींद नहीं आती है। जब रात में लेटती हूँ ना तो दिमाग बहम में ही रहता है। जब सोने को चलती हूँ तो मतलब ऐसा लगता है कि कितनी तेज़ नींद आ रही है, और जब लेटती हूँ तो नींद आँखों से दूर हो जाती है, दिमाग चला जाता है कोरोना की तरह। बस यही टेंशन रहती है, बहम सा बना रहता है दिमाग में, फिर नींद भाग जाती है, नींद नहीं आती है फिर बहुत रात तक। तो बहुत दिनों से मुझे नींद ठीक से नहीं आ रही है, लेकिन रात मुझे नींद अच्छे से आ गई थी। फिर भी पता नहीं क्यों जब मैं सुबह से उठी हूँ तो मुझे नींद आ रही है। और आज मेरे इस वाले हाथ में दर्द भी हो रहा है। जब मैं सुबह सोकर उठी थी ना तभी मेरे हाथ में दर्द होने लगा। तो मैं सोच रही थी आज कैसे काम करूँगी, कैसे सारा काम होगा, क्योंकि सुबह जब हम उठते हैं तो काम तो सारे ही पड़े रहते हैं, सारे करना होते हैं। और जब तबीयत ठीक नहीं हो तो और ज़्यादा टेंशन रहती है, काम कैसे होगा। तो फिर जब मैं उठी तो धीरे धीरे शुरुआत की मैंने काम की, और फिर करती चली गई सारा काम। तो जब हम काम नहीं करते हैं ना तो बहुत टेंशन सी रहती है, और तबीयत ख़राब में ज़्यादा लगता है कैसे काम होगा। और जब काम पे लग जाते हैं तो धीरे धीरे करके काम हो जाता है। और आज खाने में बनाऊंगी छोले चावल, रोटी या पराठा कुछ बना लेंगे। छोले उबाल कर रख दिए हैं, प्याज टमाटर सब चॉप करके रख दिया है, आटा भी गूंद के रख दिया है, चावल साफ़ करके रख दिए हैं। मैं थोड़ी सी देर लेट गई थी तो वैसे नींद आ रही है, लेकिन सोऊंगी नहीं अभी, क्योंकि बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उस कमरे में, तो ऐसे मुझे नींद नहीं आती है। बच्चे पढ़ाई करते हों तो मुझसे नहीं होता कि मैं सो जाऊं, लेकिन आंखें तो एकदम बंद होती जा रही हैं। मैं आप लोगों से बात भी कर रही हूं ना तो भी मन कर रहा है बस ऐसे ही सो जाओ आँख बंद करके। तो सोने का तो टाइम भी नहीं है, खाने की तैयारी करना है। तो कुछ तैयारी क्या, तैयारी तो करके रखी दी है, अब झटपट से मुझे बनाना है। 2 बज जाते हैं खाना खाते खाते, तो वही 11 या 12 बजे या 11:30 बजे सब्जी छौकूंगी, तो वो टाइम हो ही जाएगा। ये 2 बजे आते हैं तो जब भी खाना होता है तो धीरे धीरे करके कर लूँगी। वैसे घर मैंने सारा समेट दिया है, और जो भी सुबह का काम होता है वो सारा निपटा दिया है। रसोई भी सब साफ़ कर दी है, ब्रेकफास्ट के बर्तन वगैरह सारे साफ़ करके रख दिए हैं, सब काम मैंने निपटा दिया है। और अब मैं देखती हूँ, अगर नींद आ जाती है तो सोऊंगी, लेकिन वैसे सोऊंगी नहीं। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। बच्चे उस वाले रूम में पढ़ाई कर रहे हैं, श्रद्धा पढ़ा रही है अक्षय को। अक्षय पढ़ाई कर रहे हो दीदी के साथ? अच्छा, सब समझ में आ रहा है? चलो हेलो करो फ्रेंड्स को। बेटा मन लग रहा है पढ़ाई में? अक्षय मन लग रहा है पढ़ाई में? समझ में आ रहा है? अच्छा, और फोन चलाना? फोन चलाना भी? अच्छा, तो दीदी ने अभी तक डांटा तो नहीं? थोड़ा सा डांटा था। अच्छा, वैसे दीदी प्यार से पढ़ाती है? मैं तो सही लिखा था वो आंसर। अच्छा, साफ नहीं लिखा होगा ना बेटा? अरे मैं तो साफ ही लिखा था, कैसे बताऊं? अच्छा, साफ लिखा था। चलो अच्छा कर लो पढ़ाई, ठीक है।
तो अभी मैंने दिखाया बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, फिर मैं थोड़ी सी देर लेट गई थी, और अब खाना बनाने का टाइम हो गया है तो सब्जी छौंकूंगी। किचन में आ चुकी हूँ और ये बर्तन धोकर रखे थे मैंने, बर्तन भी सूख गए हैं तो इनको अपनी जगह पर रख देती हूँ। तो बर्तन सेट करने के बाद अब मैं सब्जी छौंक रही हूँ, और छोले उबल चुके हैं, सुबह में मैंने उबाल कर रख दिए थे, और ज़्यादा छोले उबाले हैं, बच्चों को चाट बनाकर दे दूंगी। अक्षय को थोड़ी थोड़ी देर के बाद भूख लगती है और उसे छोलों की चाट बहुत अच्छी लगती है, तो अब जब भी मैं छोले बनाती हूँ ज़्यादा छोले उबाल कर रख देती हूँ, और थोड़ी थोड़ी सी देर बाद तो उसको चाट बनाकर दे देती हूँ तो वो खा लेता है। ये उबले हुए छोले हैं, मैंने बच्चों के लिए निकाले हैं, बच्चों को देकर आती हूँ। अभी मैंने इसमें कुछ डाला नहीं है, पहले बच्चों से पूछूंगी, अगर वो कहेंगे तो इसमें प्याज टमाटर चाट मसाला वगैरह कुछ डाल दूंगी, और ऊपर से नींबू भी डाल दूंगी थोड़ा सा, बहुत टेस्टी लगते हैं, और बच्चों को तो मेरे बहुत पसंद है, इसी वजह से जब भी मैं छोले बनाती हूँ तो ज़्यादा उबाल लेती हूँ और उबले हुए छोले बच्चों को दे देती हूँ चाट की तरह बनाकर, तो देकर आती हूँ, उनसे पूछती हूँ, अगर इसमें कुछ पड़वाएंगे तो फिर से आ जाऊंगी, फिर से डालूंगी इसमें, तो मैं पूछ कर आती हूँ बच्चों से। तो मैं वापस ले आई, ऐसे ही मैं बच्चों से पूछने गई थी तो बच्चे कहने लगे कि चाट की तरह बनाकर दो, इसमें नींबू भी डाल दो, प्याज टमाटर सब डाल दो, और चाट मसाला भी डाल देना, थोड़ा सा नींबू डाल देना। तो मैं ले आई दोबारा से, अब उनके लिए चाट बनाती हूँ। वैसे सब चीज़ कटी रखी है, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तो कुकर रख दिया है गर्म होने के लिए, और बच्चों के लिए चाट बनाती हूँ, इतनी देर में कुकर भी गर्म हो जाएगा। टमाटर मना कर दिया, बस ऐसे प्याज से उनके लिए बना दिए। दोनों बच्चों को ये टमाटर बिल्कुल नहीं पसंद है, मैं जबरदस्ती खिला देती हूँ तो खा लेते हैं, नहीं तो नहीं पसंद है। उन्होंने मना कर दिया, मम्मी टमाटर मत डालना, बस प्याज नींबू और चाट मसाला डाल देना। तो मैंने इनकी चाट बना दी है, और शरा यही आ गई, मैं शरा को दे देती हूँ, कुकर गर्म हो गया है, सब्जी छौकूंगी। बेटा भाई को भी खिला देना, दोनों में से कोई से भी ले लेना। हाँ, और अक्षय को भी खिला देना, अगर अक्षय सही नहीं लगे ना तुम्हें तो बता देना, मैं सादा वाले दे दूंगी। मम्मी चना दाल का बहुत अच्छा है। अच्छा हाँ? और अभी अक्षय आया था तारीफ करने के लिए, कह रहा मम्मी आपने चाट बहुत टेस्टी बनाई है, बहुत अच्छी लग रही है, मन के चलो तुम खा लो। तो ये क्लिप मेरी नेक्स्ट डे की है, और यहाँ पर मॉर्निंग का टाइम है 7 बजे का, मैं पोछा लगा रही हूँ, सब रूमों में पोछा लगा लिया है, बस आंगन में पोछा बाकी है, और आंगन में पोछा लगाने के बाद मेरा पोछा कंप्लीट हो जाएगा, साथ में मशीन भी लगाई हुई है। तो कल मैं आगे कोई वीडियो नहीं बना पाई थी, मैंने आप लोगों को बताया था तबीयत ठीक नहीं है, तो पता नहीं कल नींद नींद सी मुझे बहुत आ रही थी, लेकिन आज जब मैं सुबह सोकर उठी हूँ तो एकदम बिल्कुल फ्रेश हूँ, और फटाफट से मैंने अपना सारा काम भी निपटा लिया है, पोछा लग चुका है, मशीन लगा दी है, आधे कपड़े धुल गए हैं, आधे कपड़े रह गए हैं, और फिर कपड़े सुखाने के बाद मैं नहाऊंगी, पूजा करूंगी और नाश्ता तैयार करूंगी, और जो भी किचन का सारा काम है वो मैं सब निपटा दूंगी। और बच्चे अभी सो रहे हैं, बच्चे सोकर उठेंगे फिर वो नहाएंगे धोएंगे तो उनके लिए नाश्ता बना कर दूंगी। तो पोछा लगाते लगाते मशीन ने भी आवाज़ लगा दी थी, तो दोबारा घुमाने के लिए आ गई हूँ, 2 बार घुमा लेती हूँ, कपड़े अच्छे से साफ हो जाते हैं, 2 बार पूरा नहीं घुमाती हूँ, बस थोड़ा राउंड घुमाती हूँ,
तो कपड़े अच्छे से साफ हो जाते हैं और बस यही वाला घन रह गया है, कपड़े सारे धुल चुके हैं। मैं 2-3 दिन बाद मशीन लगाती हूँ, इकट्ठे कपड़े धो लेती हूँ और सुबह में ही मशीन लगा देती हूँ। साथ ही साथ पोछा भी निबटता जाता है और काम भी निबटते जाते हैं और कपड़े भी धुलते जाते हैं। तो बस फिर आ गई हूँ, जो अब मेरा पोछा रह गया था तो उसे पूरा करने के लिए, तो साथ ही साथ सारे काम निबट जाते हैं तो एक टेंशन हट जाती है। और अगर हम ऐसे करेंगे, पहले कपड़े धोएंगे या फिर पोछा लगाएंगे, तो टाइम भी हमारा बहुत जाएगा। तो ज्यादातर सभी लेडीजें ऐसा ही करती हैं, वो सोचती हैं ऐसा काम किया जाए जो एक साथ कई कई काम निपटे, तो सब ज्यादातर ऐसे ही करते हैं। और अब पोछा लग चुका है तो कुर्सियां भी मैं टेबल पर सेट करके रख देती हूँ। तो कपड़े धुल चुके हैं, इनको खंगालने के लिए दूसरी साइड डालती हूँ और ऐसे ही निचोड़ कर डाल देती हूँ। अच्छे से साफ हो जाते हैं, ऊपर से पानी चला देती हूँ और 3-4 बाल्टी पानी मैं ऊपर से भी डाल देती हूँ। अच्छे से साबुन सर्फ अच्छे से निकल जाता है और कपड़े ठीक तरह से साफ हो जाते हैं। तो मैं अगर वैसे कुछ कपड़े होते हैं जैसे जिनका साबुन सर्फ मशीन में नहीं निकलता है, तो उनको मैं पहले खंगाल लेती हूँ फिर मशीन में सुखा देती हूँ, तो इसमें तो निकल जाता है। वैसे आज ऐसे कोई कपड़े नहीं हैं, अच्छे से मशीन में इनका पानी निकल जाएगा। बस 2-3 बाल्टी पानी मैं ऊपर से डाल दूंगी और फिर मैं नहाने जाऊंगी। तो मैं सोचती हूँ पहले कपड़े निबट जाएं फिर नहाने जाऊंगी, ये 5 मिनट का काम है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो टाइम हो रहा है 10:30 बजे का और मैं अपना काम खत्म करके आई हूँ सुबह का। तो कपड़े भी धुल गए हैं और आज मैंने कपड़े भी हाथ के हाथ हैंगर पे लगा दिए हैं। वैसे अगर मुझे कोई और काम होता है ना, तो अगर मेरे कपड़े धुल जाते हैं तो मैं टब में रख देती हूँ, थोड़ी देर के बाद सूखने के लिए डालती हूँ, लेकिन आज मैं हाथ के हाथ सूखने के लिए डालती गई और कपड़े आधे सूख भी चुके हैं। आजकल तो इधर धो के डालो इधर सूख जाते हैं। तो बच्चे भी नहा चुके हैं और बच्चे नहाने के बाद दोबारा से लेट गए हैं। और नहाने के बाद अक्षय को थोड़ी ठंड लग रही थी तो अक्षय कंबल ओढ़कर लेट गया। ये मैंने हल्का वाला ब्लैंकेट निकाल रखा है और दोपहर के खाने में बनाऊंगी टिंडे की सब्जी। तो ये जो मेरे आज की वीडियो की मॉर्निंग की जो क्लिप है वो मैंने अपने कल के वीडियो में ऐड कर दी है। कल मैंने आप लोगों से कहा था ना मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही है, तो मैं थोड़ा सा ही शूट कर पाई और ज़्यादा मैंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं की, तो मैं कोई वीडियो नहीं बना पाई। खाना निपटा फिर उसके बाद मैं सो गई। मुझे नींद बहुत तेज की आ रही थी सुबह से ही, तो खाना निपटाने के बाद मैं सो गई और सोने के बाद शाम उठी फिर शायद अपनी पढ़ाई कर रही थी फ़ोन से, तो आगे मैं कोई वीडियो नहीं बना पाई। तो आज की जो मेरी मॉर्निंग की क्लिप है वो मैंने अपने कल के वीडियो में ही ऐड कर दी है। तो थोड़ी सी देर बैठूंगी आप लोगों से बात करने के लिए, इस बहाने थोड़ी देर बैठने को मिल जाता है। नहीं तो आजकल जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ है फुर्सत के पल नसीब नहीं होते हैं। सुबह नाश्ते में टाइम निकल जाता है, फिर दोपहर का खाने का टाइम हो जाता है, फिर दोपहर का खाना निबटता है तो शाम की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, तो पता नहीं चलता है मेरे लिए तो कब दिन निकला और कब ख़त्म हो गया। तो ये जो टेंशन है ये एक मेरी ही नहीं है, मुझे लगता है इस टाइम सब लोगों की यही टेंशन है, यानी कि सब लेडीजों की यही टेंशन है। तो टेंशन भी नहीं है, देखिए हम लोग का रूटीन इस टाइम बिगड़ा हुआ है। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं तो हम लोग लेट उठते हैं थोड़ा सा, और हस्बैंड भी नहीं जाते हैं, और जाते भी हैं तो लेट जाते हैं थोड़ा सा। वो टाइम नहीं है जो एक फिक्स टाइम था, उस टाइम उन्हें जाना होता है, तो टाइम बे टाइम उनका भी जाना हो रहा है। हम लोग लेट उठते हैं तो आप लोग जानते ही हैं, जब लेट उठेंगे तो सारे काम लेट लेट होते चले जाएंगे और हाथ पैर जो हमारे हैं वो फुर्ती से नहीं चलेंगे। हम आराम आराम से काम करते जाते हैं, कौन सा बच्चों को जाना है कौन सा हस्बैंड को जाना है, तो आराम का काम तो देर का होता ही है। तो यही सबकी समस्या है। तो वैसे एक तरह से खुशी भी मिलती है, हमारा पूरा परिवार इस टाइम इकट्ठा है, हस्बैंड भी घर पर होते हैं बच्चे भी घर पर होते हैं, अच्छे से टाइम हमारा स्पेंड हो जाता है। लेकिन बस यही है ना, थोड़ा लेट उठते हैं और वो धीरे धीरे काम करते हैं तो पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। तो चलिए बहुत सारी बात आप लोगों से हो गई, तो मैं सबसे ज़रूरी बात आप लोगों से करना चाहती हूँ,
अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि आपको मेरे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए मैं करती हूँ अपने इस वीडियो का यहीं पर एंड, मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।